न पिंपल आएंगे न चेहरे पर दाग बचेंगे। पुराने पिंपल दाग धब्बे व ऑयली स्किन से छुटकारा पाएं। नमस्कार, हमारे चेहरे पर दोस्तों एक चीज का आना किसी को भी नहीं पसंद, वो है बार बार पिंपल और चेहरे पर कील मुहासे निकलना। और इन्हें एक बार के लिए हटाने के लिए ही हम चेहरे पर कई तरह की दवाइयां घरेलू उपचार अपनाते हैं, लेकिन एक तरफ से पिंपल जाने के बाद वो चेहरे के दूसरी तरफ आ जाते हैं। और ये सब होता है जब दोस्तों हमारी त्वचा के छोटे छोटे स्किन पोर्स डर्ट, धूल मिट्टी, डेड स्किन सेल्स और ऑयल से भरने लगते हैं, जिससे चेहरे पर पिंपल आने लगते हैं और फिर दाग धब्बे और निशान छोड़ते हैं जो दिखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और आज दोस्तों हम आपके लिए एक ऐसा उपाय लेकर आए हैं जो चेहरे के दाग धब्बे, पिंपल के निशान, कील मुहासे और अगर चेहरा धोने के बाद फिर से आपके चेहरे पर ऑयल जमने लगता है जिससे पिंपल निकलते हैं, उसे हटाएगा और चेहरे को साफ सुथरा और सुंदर बनाएगा। इसे आपको कैसे बनाना है आइए देखते हैं। दोस्तों ये जो रेमेडी है ये एक टू स्टेप रेमेडी है, यानी कि पहले इस्तेमाल से ये चेहरे के रोम छिद्रों की सफाई करेगा, उसमें से डेड स्किन सेल्स को बाहर निकालेगा, धूल मिट्टी बाहर करेगा और त्वचा में से एक्स्ट्रा ऑयल को बाहर निकालेगा, जिससे बार बार पिंपल होने की समस्या ठीक होगी। और दूसरे स्टेप से ये आपके पिंपल, रेडनेस और पिंपल से होने वाला इन्फेक्शन और जलन ठीक करेगा और चेहरे के निशान हटाएगा। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको दोस्तों यहाँ पर एक इस तरह का एलोवेरा ले लेना है। इस एलोवेरा को हम क्या करेंगे, इसका जूस निकालेंगे। आपको यहाँ पर इसका एक चम्मच इस तरह से जूस निकाल लेना है। इसे आप एक कटोरी में डालिए और इसी के साथ साथ इस एलोवेरा का हम एक पीस काट लेंगे। आप लगभग इतना सा पीस इसे काट लीजिए और इसे साइडों से काट कर इसे ऊपर से छिलका उतार लीजिए। पहले दोस्तों हम यहाँ पर इस एलोवेरा पीस का इस्तेमाल करेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको डालना है बेसन, यानी कि ग्राम फ्लोर। हमने दोस्तों यहाँ पर बेसन का आटा लिया है। बेसन दोस्तों स्किन क्लींजिंग का काम करता है, त्वचा की सफाई के लिए, डेड स्किन सेल्स हटाकर नए सेल्स के निर्माण करने के लिए और स्किन पोर्स में से ऑयल को हटाकर चेहरे की चमक बढ़ाने का काम करता है बेसन। आप एक चम्मच लीजिए या हाथों से भी कुछ इस तरह से इस बेसन को लीजिए और इस एलोवेरा के ऊपर इसे डाल देंगे। आपको बेसन उतना डालना है ताकि ये एलोवेरा अच्छे से कवर हो जाए। दोस्तों जब हमारी स्किन साफ होती है, ऑयल रिमूव होता है, तो त्वचा पर पिंपल आने अपने आप कम हो जाते हैं। आपको क्या करना है कि ये जो बेसन है इस एलोवेरा में ऑब्जर्व होने के लिए छोड़ देना है। तब तक के लिए हम यहाँ पर हमने जो एक चम्मच एलोवेरा जूस लिया है वो लेंगे और इसके साथ हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे नीम का। हमने दोस्तों देखिए यहाँ पर इस तरह से नीम के पत्ते लिए हैं। पहले दोस्तों आपको क्या करना है कि नीम के पत्ते लेकर इसे अच्छे से धो लेना है और फिर साफ कर लेना है। इसके बाद आपको एक कटोरी के बराबर ये नीम के पत्ते निकाल लेने हैं और उसमें हम यहाँ पर 3 से 4 चम्मच पानी मिलाएंगे और फिर ग्राइंड करके इसका पेस्ट तैयार करेंगे। और ये जो पेस्ट है, इस पेस्ट का आपको एक चम्मच, आप देखिए कुछ इस तरह से हम यहाँ पर एक चम्मच इस नीम के पेस्ट को एलोवेरा के साथ मिला देंगे। और फिर आखिर में इस पेस्ट को तैयार करने के लिए हम दोस्तों यहाँ पर ये गुलाब जल डालेंगे। गुलाब जल दोस्तों आपको यहाँ पर 1.5 चम्मच के बराबर लेना है। पिंपल आने से दोस्तों अक्सर हमारी त्वचा रूखी सी हो जाती है और त्वचा में ग्लो लाने के लिए गुलाब जल बहुत अच्छा है। हम यहाँ पर 1.5 चम्मच से डालेंगे और फिर चम्मच लेकर इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करते समय दोस्तों आप ध्यान रखें कि ये जो पेस्ट हम बनाएंगे ये आपका ज्यादा गाढ़ा नहीं बनना चाहिए, इसलिए अगर आप चाहें तो इसमें गुलाब जल और मिला सकते हैं। और इसे मिक्स करने के बाद ये जो पेस्ट है दोस्तों देखिए आपको कुछ इस तरह का बना लेना है। और दाग धब्बे और पिंपल हटाने के लिए आपको लगाना कैसे है, पहले दोस्तों आपको क्या करना है, पहले आप इस एलोवेरा के इस पीस को लीजिए और इसे हम यहाँ पर जहाँ पर भी आपके चेहरे पर दाग धब्बे है, पिंपल है या ऑयल बहुत इकट्ठा होता है जिससे पिंपल बढ़ते हैं, वहां पर इसे अच्छे से रब कीजिए। आप रब करते समय इस एलोवेरा को दबाते रहें ताकि एलोवेरा में से जो जेल निकलेगा वो आपके चेहरे पर अच्छे से लगता जाए। और इस बेसन को अपने पूरे चेहरे पर अच्छे से लगा लीजिए। इससे दोस्तों आपके चेहरे की डेड स्किन सेल हटेंगे, दाग धब्बे के निशान कम होंगे और ऑयल रिमूव होगा जिससे चेहरे पर एक चमक आएगी और पिंपल आना कम हो जाएंगे। और इसे हम 15 मिनट तक लगाएंगे और फिर चेहरे को साफ कर लेंगे। और पिंपल हटाने के लिए आपको क्या करना है, आप दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा कॉटन बॉल लीजिए, इस तरह के एक रुई के पीस से इस नुस्खे को लीजिए और चेहरे पर जहां जहां पर भी पिंपल है, रेडनेस है, इन्फेक्शन है या जलन बहुत हो रही है वहां पर इसे अच्छे से लगा लीजिए और अपने चेहरे को इससे कवर कर लीजिए। इस उपाय में दोस्तों हमने नीम डाली है जिसके एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ना केवल पिंपल ठीक करेंगी बल्कि चेहरे से बैक्टीरिया को हटाएंगी। इसी के साथ साथ पिंपल की रेडनेस और इची स्किन से छुटकारा पाने के लिए भी नीम बहुत अच्छी है। इस उपाय का इस्तेमाल दोस्तों आप अपने चेहरे पर रात को सोने से आधा घंटा पहले कीजिए और आधे घंटे के बाद अपने चेहरे को ताजे पानी से धो लीजिए। दोस्तों ये आपके चेहरे पर ऐसा असर दिखाएगा कि 50 से 70% तक रिजल्ट 1 से 2 दिन
दिन में ही आपको अपने चेहरे पर मिल जाएंगे और एक हफ्ते तक लगातार इसके इस्तेमाल से चेहरे से दाग धब्बे, पिंपल और उसके निशान जाएंगे और बार बार चेहरे पर तेल आने की समस्या ठीक होगी, जिससे आने वाले समय में आपको पिंपल भी नहीं होंगे। आज की जानकारी बस यहीं तक थी। पसंद आए तो इसे लाइक और दोस्तों में भी शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।